हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा फेफड़ा, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। ये फेफड़ा सिकुड़ता है, फैलता है, इस प्रकार सांस अंदर लेकर शरीर के अंदर तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। लगभग 1.3 किलोग्राम का ये फेफड़ा एक जोड़े के रूप में एक एयर बैग की तरह होता है। ये फेफड़ा हमारे रिबकेज यानी पसलियों की हड्डियों के अंदर रहता है और इन्हीं फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय स्थित रहता है। एक बार इस फेफड़े की संरचना देख लीजिए। देखिए, फेफड़ा बना होता है कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा, जो कि एक स्पंज की तरह संरचना वाला होता है। और इन लंग्स में दायां फेफड़ा 3 लोब में होता है, वही बाएं फेफड़े में केवल 2 लोब होते हैं। ये फेफड़ा श्वास नली द्वारा हमारे नाक से जुड़ा रहता है। सबसे पहले नाक होती है, फिर उससे जुड़ा होता है ये फेरिंग्स, जो कि कनेक्टेड रहता है इस विंड पाइप से, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। और ये विंड पाइप फेफड़ों में आने तक 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जहां ये फेफड़ों में बिल्कुल पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाते हैं, बहुत सारी शाखाओं में, जहां इन जड़ जैसी शाखाओं के अंत में बिल्कुल एक गोल बॉल की तरह एक संरचना होती है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं। और ये जड़ जैसी संरचना होती है फेफड़े के अंदर। तो अगर हमें ये जानना है कि फेफड़ा काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है। देखिए, फेफड़ों द्वारा सांस लेना सही मायने में देखें तो एक अनैच्छिक क्रिया है। मतलब अगर हम चाहें भी तो इस क्रिया पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और फेफड़ों का सिकुड़ना और फैलना, ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फेफड़ों के नीचे डोम शेप का एक ऑर्गन होता है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम भी सिकुड़ता है और फैलता रहता है बिना हमारे प्रयास के ही। जब ये फैलता है तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है, और जब ये डायाफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़ा फैलता है। जब फेफड़ा फैलता है तब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, और जब हमारे लंग्स सिकुड़ते हैं तो हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो चलिए फेफड़ों के कार्य को शुरुआत से देखते हैं। देखिए, पहले तो डायाफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़ा फैलता है, जिसकी सहायता से नाक सांस यानी एयर को भी अंदर की ओर लेती है, जो नाक यानी नेजल कैविटी से होते हुए श्वसन क्रिया में शामिल हो जाती है। आप देखते हैं कि नाक के अंदर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब नाक से वायु को अंदर की ओर लेते हैं तो इस एयर में बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस होते हैं, और नाक में मौजूद ये चिपचिपा पदार्थ, जिसे म्यूकस भी कहते हैं, अपने अंदर इन वायरसेस, बैक्टीरिया को चिपका कर शरीर में अंदर जाने से ही रोक देता है। फिर ये यहाँ से फेरिंग्स में जाता है, वहाँ पर लैरिंग्स, और फिर वहाँ से विंड पाइप होते हुए, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है। और जब ये एयर ट्रैकिया में पहुँचती है तो वहाँ पर भी कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं म्यूकस की तरह, और इस पदार्थ में भी कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया मारे जाते हैं। फिर ये विंड पाइप 2 भागों में बट जाता है, और इन 2 भागों में बटे हुए शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई एक स्पंज जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर में पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाता है, जहाँ पर नाक से O2 सहित एयर फेफड़े भर में फैली हुई जड़ों वाली शाखाओं में फैल जाती है, और इन जड़ जैसी शाखाओं के अंत में एक गोल बॉल की तरह छोटे छोटे एयर बैग्स जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं, जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स, मेनली ब्लड कैपिलरीज चिपकी हुई होती हैं। जब एयर एल्वोलाई पर आती है तो वहाँ से O2 के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। फिर ये ब्लड मनुष्य के हृदय की तरफ बढ़ता है, जहाँ से पूरे शरीर में ये ब्लड फैल जाता है। पर जब एयर में O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, तब उसी समय ब्लड में मौजूद CO2 गैस इस एल्वोलाई के पास अंदर जाकर डिफ्यूजन के द्वारा चला जाता है, जहाँ से फेफड़ा इन CO2 गैसेस को शरीर से बाहर निकाल देता है। नाक के द्वारा जो हम गैसेस एक्सहेल करते हैं, वो यही CO2 गैस ही होती हैं, जो कि मेनली वेस्टेज होती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि फेफड़ा काम कैसे करता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि एयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेनली ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको लंग्स के फंक्शन के बारे में और भी ज़्यादा पता है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।